नमस्ते, एडेक्स हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ टीचर जो, और आज मैं आपको हिंदी में पिक्चर कॉन्वर्सेशन करना सिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी और हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कक्षा का चित्र दिया गया है और आज हम उस चित्र के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, यह है कहां का चित्र है। जब आप ये सुनते हैं तो आपको एक दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले द इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। सो कहां इज द इंटरोगेटिव वर्ड इन द क्वेश्चन। सो यह है कहां का चित्र है। कहां मीन्स वेयर, सो दे आर आस्किंग अबाउट द लोकेशन ऑफ द पिक्चर। So, यह एक कक्षा का चित्र है। सो कहां को आपने रिप्लेस करना है कक्षा, एक कक्षा से। यह एक कक्षा का चित्र है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम। अगला प्रश्न करते हैं, चित्र में कौन कौन है। अब आप चित्र को ध्यान से देखिए, चित्र में कौन कौन है। याद रखिए, कौन कौन का मतलब होता है हु ऑल आर देयर इन द पिक्चर। सो चित्र में कौन कौन है, तो आप बोलेंगे चित्र में कौन कौन को रिमूव करना है और उसकी जगह बोलना है एक अध्यापिका जी, अध्यापिका जी बिकॉज इट्स अ फीमेल टीचर, और कुछ बच्चे हैं। कुछ बच्चे मींस फ्यू चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर। आप ऑल्टरनेटिवली ये भी बोल सकते हैं, चित्र में एक अध्यापिका जी और दो लड़कियां हैं। दोनों ही जवाब बिल्कुल ठीक हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन से वोकैबुलरी वर्ड याद हैं, सो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर बोलेंगे। कौन कौन को रिप्लेस करेंगे एक अध्यापिका जी और कुछ बच्चों से। सो चित्र में कौन कौन है, चित्र में एक अध्यापिका जी और कुछ बच्चे हैं। अगला प्रश्न करते हैं, अध्यापिका जी क्या कर रही हैं। अब इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। नंबर वन, क्या मींस व्हाट। दूसरा, वर्ब का ध्यान रखना है, कर रही हैं। सो कर मींस व्हाट इज शी डूइंग। सो जब आप आंसर करेंगे, सो आप रिप्लेस करेंगे क्या, आप रिप्लेस करेंगे कर, बिकॉज कर मीन्स वॉट इज शी डूइंग, और उसकी जगह आप बोलेंगे जो भी एक्शन टीचर कर रही है। सो अध्यापिका जी बच्चों को पढ़ा रही हैं। सो क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। सो आपने क्या को और कर को रिप्लेस किया पढ़ा से, एंड पढ़ा मीन्स टीचिंग। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ना मीन्स टू डू सेल्फ स्टडी एंड पढ़ाना मीन्स टू टीच। बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों शब्दों में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टीचिंग को हम बोलते हैं पढ़ाना। सो अध्यापिका जी बच्चों को पढ़ा रही हैं। बच्चों को मीन्स टू द चिल्ड्रन। अब ऑल्टरनेटिवली आप इसको बोल सकते हैं, अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं मीन्स द टीचर इज टीचिंग। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप बच्चों को भी हटाना चाहते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं, अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे क्या कर रहे हैं। अगेन, इस क्वेश्चन में दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, क्या, क्या मीन्स वॉट। कर रहे, अगेन कर रहे मीन्स वॉट आर दे डूइंग। जब आप आंसर देंगे तो आप कर नहीं लिख सकते हैं, उसकी जगह आपको दूसरा वर्ब लिखना है और आप क्या को भी रिप्लेस करेंगे। सो हमें दो शब्द हटाने हैं यहाँ पर, क्या और कर। ओके, सो बच्चे पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर स्टडिंग। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं या जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे ट्रांसलेट्स टू स्टडिंग। सो बच्चे पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजों पर क्या है। मेज का मतलब होता है टेबल, पर मींस ऑन। सो मेजों पर क्या है, क्या मींस व्हाट। सो व्हाट इज देयर ऑन द टेबल्स।
इसका बहुत सिंपल उत्तर है, आप क्या हटाएंगे अपने इंटरोगेटिव क्वेश्चन में से, उसकी जगह लिखेंगे मेजों पर किताबें हैं या पुस्तकें हैं, दोनों ही सिनोनिम्स हैं, और आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमें बहुत सारी बुक्स दिखाई दे रही हैं, सो हम बोलेंगे मेजों पर और क्या की जगह लिखेंगे किताबें या पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न करते हैं, क्या आपको पढ़ना पसंद है? प्लीज रिमेम्बर, जब भी हम क्या को बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में लिखते हैं तो इसका मतलब व्हाट नहीं होता है, इसका मतलब है डू यू लाइक टू स्टडी। सो क्या आपको पढ़ना, पढ़ना मीन्स टू स्टडी, पसंद मीन्स लाइक, क्या आपको पढ़ना पसंद है? तो आप बोलेंगे जी हाँ, मुझे पढ़ना पसंद है। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो ये आएगा यस आई लाइक टू स्टडी। अब एक कंफ्यूजन पॉइंट है यहाँ पे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि आई मीन्स मैं, देन वाई आर वी यूजिंग मुझे ओवर हियर। प्लीज रिमेम्बर, व्हेन यू यूज आई विद लाइक, आई विश, आई डिसलाइक, आई वॉन्ट, आई नीड, जब भी हम आई को इन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं, मैं विल चेंज टू मुझे। सो जी हाँ, मुझे पढ़ना पसंद है। अब पसंद को हम एक और ढंग से बोल सकते हैं, विच इज अच्छा लगता। सो आपकी चॉइस है, आप बोल सकते हैं जी हाँ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ऑल्टरनेटिवली आप बोल सकते हैं जी हाँ मुझे पढ़ना पसंद है। धन्यवाद।